किसानों की समस्याओं को लेकर एक बार फिर भारतीय किसान यूनियन तोमर के कार्यकर्ताओं ने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। भारतीय किसान यूनियन तोमर के मंडल उपाध्यक्ष चौधरी वीरेंद्र सिंह ने कहा कि क्षेत्र के किसी भी किसान को उत्पीड़न संगठन किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगा। चौधरी वीरेंद्र सिंह ने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि किसानों की समस्या का समाधान नहीं होता तो धरना प्रदर्शन अनिश्चितकालीन तक जारी रहेगा, जब तक किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं होता। आपको बता दें कि लगभग 3 वर्ष पहले रेलवे TFC के द्वारा क्षेत्र के किसानों की जमीन का भूमि अधिग्रहण किया गया था, जिसमें क्षेत्र के किसानों की लगभग 4 किलोमीटर लंबे चकमार्ग को भी सम्मिलित कर लिया गया था, जिसकी बहाली को लेकर क्षेत्र के किसान तथा अन्य किसान संगठन प्रशासनिक अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं। रिपोर्ट कलम सिंह। सहारनपुर जिले के आज हम नागल क्षेत्र में पहुंचे हैं, जहां पर मीरपुर मोहनपुर फाटक के पास में किसानों ने पिछले 16 दिन से धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। बात करते हैं। हाँ जी, आपका शुभ नाम? भाई साहब, मेरा नाम चौधरी वीरेंद्र सिंह ओलान है। मैं मंडल उपाध्यक्ष भारतीय किसान तोमर से हूँ और मैं चैनल को बधाई देता हूँ, नमस्कार करता हूँ। जो आप मेरे पूछो मैं बताऊँगा। जैसे आप 16 दिन से धरने पर बैठे हो, इसमें मुद्दा आपका क्या है? मेरे 3 मुद्दे हैं जी। जो यहाँ DM साहब आए थे लगभग 1.5 महीना पहले, वो ये कह गए थे कि आपके कितने मुद्दे बिल्कुल जायज हैं और हमने मान लिए हैं, आप धरना उठा दो। हमने उन्हें कहने में धरना उठा दिया था, जबकि धरना उन्होंने आश्वासन दिया आपको, तो उनके कहने पे आपने धरना को रोक दिया। अच्छा, फिर दोबारा से जो बात हुई है उनसे, जब हम दोबारा जब बैठना पड़ा है, उन्होंने हमें टाइम दिया 20 दिन का कि 20 दिन के अंदर अंदर आप इतनी समस्या जो है वो पूरी कर दी जाएंगी, परंतु जब देखा हमने कि यहाँ कुछ होने वाला नहीं है, 35 दिन के बाद फिर हमने 5 जनवरी से धरना शुरू प्रारंभ यहाँ हमने कर दिया। जैसे आप देख, क्षेत्र में पटवारी कानूनों ने 2.5 लाख रुपये ले रखे हैं, उसके बारे में कुछ SDM साहब को या CO साहब को कुछ बोला आपने? भाई साहब, इसकी जानकारी सभी को है। कल मैं माननीय अपने जो जिलाधिकारी महोदय हैं, कप्तान साहब हैं, इनसे मैं मिला। कप्तान साहब ने कहा ठीक है, मैं जिलाधिकारी महोदय से बात करके वो समस्या का समाधान निकल पाऊँगा, मेरा वादा है। मुझे उम्मीद है कप्तान साहब में कि वो जरूर इस समस्या का समाधान करेंगे। हमारी जो मांग है वो कोई मांग गलत नहीं है। DM साहब ने खुद कहा है कि आप कितने मांग जायज मांग है और आपकी मांग जो है बिल्कुल मान लीजिए। एक तो हमारी मांग यह है कि नागल से लगा के मीरपुर से लगा के और पटौली तक जो हमारी जमीन इंक्वायर कर ली गई है रेलवे द्वारा, वो इंक्वायर करने का कोई अधिकार नहीं था जब तक हमारी न छोड़ते रास्ते को। दूसरी मांग, जहां हम बैठे हुए हैं फिलहाल, ये 369 खसा नंबर है। इस खसा नंबर का हमने कहा था हमें चाहिए 4 गुना चाहिए जो कानून में है, परंतु हमें हाँ कर दी थी कि जरूर आपको इसका 4 गुना मिलेगा, फिर भी 4 गुना नहीं दिया गया। अच्छा, तीसरी मांग क्या है? तीसरी मांग यह है कि कानून को और लेखपाल द्वारा 2,30,000 रुपये रिश्वत के लिए हुए हैं, जबकि सभी अधिकारी संज्ञान में है और सभी अधिकारी को जानकारी है कि वाक्य में ये उन्होंने रिश्वत दे रखी है, परंतु पता नहीं क्यों वो ढील बरत रहे हैं, क्या कर रहे हैं।